राशि और राशि लॉर्ड जिसको याद नहीं है, मेरे को भी याद नहीं होता है जल्दी से, तो एक स्टोरी अक्सर गुरुकुल में या जो एस्ट्रोलॉजर वैदिक पढ़ के आए हुए हैं उनको अक्सर एक स्टोरी की फॉर्म में ये राशि लॉर्ड याद कराया जाता है। ये बहुत इजी तरीका है। क्या अभी आप इन 12 हाउसेस को 12 राशियां समझो, ये राशि 1 हो गई, ये 2, 3, ये मार्किंग सारी इस तरीके से ही हॉरोस्कोप पे की गई है। 2 राशियां फिक्स हैं, कौन कौन सी? सन और मून। 5th नंबर राशि सिंह लगन या लियो साइन सन का होता है, ये फिक्स है। और 4 नंबर कर्क मींस कैंसर साइन मून का है। मून को मदर माना गया है और सन को फादर माना गया है। जैसे ही ये पत्री बनी, फादर ने अपना एक घर ले लिया, मदर ने अपना एक घर ले लिया, मतलब राजा ने अपना एक घर ले लिया, रानी ने अपना घर ले लिया। जैसे ही राजा रानी अपने घर में आके बैठे तो उनको सबसे पहले किसकी चिंता होगी? अपने बच्चों की। बच्चे होते हैं बुध। बुध यहां 6th राशि में आ गया और 3rd राशि में आ गया। जैसे ही प्रिंस आया, प्रिंस को सबसे पहले किसकी चिंता होगी? प्रिंसेस। किसकी? प्रिंसेस। तो 2nd राशि में प्रिंसेस आ गई, वीनस आ गया, और उधर 7th राशि में वीनस आ गया, प्रिंसेस आ गई। जैसे ही प्रिंसेस आएगी तो उसको सबसे पहले किस चीज की चिंता होगी? अपनी सिक्योरिटी की, कि मैं सेफ हूं क्या। तो कौन आ गए? मंगल आ गया। मंगल कौन है? सेनापति। वो 1st राशि में आ गया और 8th राशि में आ गया। डन। जैसे ही अब कौन बच गया? गुरु मिनिस्टर बच गया। कोई एडवाइजरी बोर्ड पे भी तो चाहिए, तो वो एडवाइजरी बोर्ड पे जुपिटर आ गया। जुपिटर गुरु 9th राशि एंड 12th राशि, सब लोग आ गए। अब कौन चाहिए? कौन चाहिए? नौकर चाहिए, सेवक चाहिए। तो वो कौन हुए? तो शनि आ गया। इस तरीके से अगर आप याद करोगे, जब मैं पहले करता था तो मेरे को याद रहता नहीं था कुछ, तो मैं हमेशा जब भी वर्किंग करने लगता था अपने साथ एक बॉक्स बना लेता था, ये स्टोरी याद कर करके बॉक्स बनाता था। तो मेरे पास हमेशा एक बॉक्स रेडी हो जाता था कि 3 नंबर राशि मरकरी की है, 7 नंबर राशि शुक्र की है, 8 नंबर राशि मंगल की है। ठीक है, डन। जिसको नहीं याद वो ये बॉक्स फटाफट अपनी उसमें बना ले, जो नए हैं वो खासकर ये स्टोरी याद करके ये बॉक्स बना ले।